हेलो दोस्तों, मैं पूर्वी कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से और आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्या है और इसका प्रयोग टैली में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कॉस्ट सेंटर का प्रयोग बिजनेस में अलग अलग ब्रांच की डिटेल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। सपोज हमारी कोई कंपनी है और इसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं। अगर हम ये सारा रिकॉर्ड कैटेगरी वाइज अरेंज करना चाहते हैं और रिपोर्ट्स को भी इसी कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ टैली में कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत हमें टैली में क्यों होती है। जैसे हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ सैलरी दी 50,000 रुपीज़ और क्रेडिट होगा कैश। अब यहाँ पर हमने ये सैलरी देने की एंट्री की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एंट्री में यह 50,000 सैलरी किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय को दी गई है यह स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अगर हम सैलरी दें और हमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी है कि सैलरी किस ब्रांच में जा रही है, किस डिपार्टमेंट में और पर्टिकुलर किस एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टैली में कॉस्ट सेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यदि टैली में आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हमें कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना होगा। और यदि हम टैली में कोई भी चीज़ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कंपनी फीचर्स में जाना होगा। तो कंपनी फीचर्स के लिए शॉर्टकट की होती है F11। यहाँ मैंने F11 प्रेस किया। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी फीचर की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आप अकाउंटिंग फीचर सेलेक्ट करें या F1 प्रेस करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग फीचर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट के अंतर्गत मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी इस ऑप्शन को भी हम लोग यस करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम टैली में यदि कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे, तो पहले हम इसे एक एग्जांपल की सहायता से समझें। यहाँ हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम बनाएंगे ब्रांच और हमारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जैसे सागर, भोपाल, इंदौर, तो यह कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। फिर डिपार्टमेंट, हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट एक्सेट्रा, ऐसे ही एम्प्लॉय भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टैली में हम यह कैसे कर सकते हैं। टैली में कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ आप पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल कॉस्ट कैटेगरी, मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी। सिंगल कॉस्ट कैटेगरी से आप एक एक करके कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं और मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी से आप एक साथ मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी का नाम देंगे। तो पहली कैटेगरी क्या बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देंगे ब्रांच और इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें। सेकेंड कैटेगरी क्या बनाना चाहते हैं, तो सेकेंड कैटेगरी बनाना चाहते हैं डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड कैटेगरी बनानी है हमको एम्प्लॉय, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो कौन सी हैं, तो आप डिस्प्ले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ आप देख सकते हैं हमने तीन कैटेगरी बनाई हैं, ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। अगर आप इनमें कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम कैटेगरी बना चुके हैं। अब हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। तो अभी हमने जो कैटेगरीज बनाई है आप उनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, तो यहाँ हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रांच बनाई सागर, अंडर ग्रुप में प्राइमरी देंगे। सेकेंड ब्रांच है भोपाल और थर्ड है इंदौर। यहाँ ब्रांचेस बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे डिपार्टमेंट, तो कैटेगरी में आप चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट। पहला हमने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाएं और लास्ट में हम बनाएंगे एम्प्लॉयज। कैटेगरी में आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, लिस्ट देखने के लिए स्पेस बार प्रेस करें। यहाँ से आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करें। पहला एम्प्लॉय है अंकित, सेकेंड मोहित एंड शिवानी।
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट सेंटर्स बना लिए हैं। अगर हमें कॉस्ट सेंटर्स की लिस्ट देखनी है तो डिस्प्ले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। यदि आप किसी भी कॉस्ट सेंटर में कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो ऑल्टर ऑप्शन का यूज करें। अब हम टैली में कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे, तो इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएं। अभी हमने यहाँ पर जो एंट्री की थी सैलरी से रिलेटेड, तो वहाँ यह स्पेसिफाई नहीं हो रहा था कि यह सैलरी किस डिपार्टमेंट में और किस एम्प्लॉय को दी जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए। अब हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। तो सैलरी देने की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ आप सैलरी का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सैलरी कितनी दी है, 50,000 रुपीज। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ब्रांच, मेरी कंपनी से जो सैलरी दी गई है वह किस ब्रांच के लिए गई है। ब्रांच की लिस्ट देखने के लिए स्पेस बार प्रेस करें। यहाँ मैंने ब्रांच सेलेक्ट की सागर। अब सागर में किस डिपार्टमेंट में सैलरी जा रही है, तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और लास्ट में सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है। तो यहाँ से मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया अंकित और एक्सेप्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सैलरी दी जा रही है, यहाँ सारी चीज़ें स्पेसिफाई हो रही हैं कि सैलरी किसे दी गई है। सैलरी जो है वह सागर ब्रांच में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंकित को दी गई है। यहाँ पर क्रेडिट में हम कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि टैली में कॉस्ट सेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है। कॉस्ट सेंटर का यूज़ हम प्रोडक्ट की डिटेल के लिए भी डाल सकते हैं। आप जहाँ भी एक्सपेंसेस को, इनकम को कैटेगरी वाइज अरेंज करके रखना चाहते हैं, वहाँ आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में किसी कंपनी का बैकअप कैसे बनाया जाए और इसे रिस्टोर कैसे किया जाए। थैंक यू दोस्तों।